पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सभी मामलों में जमानत मिल गई है। ताज़ा जानकारी के अनुसार वह कोर्ट से आज अपने घर बानी गाला जा सकते हैं। इमरान खान को 17 मई तक के लिए राहत मिली है, यानी तब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। द केरला स्टोरी फिल्म पर बंगाल सरकार द्वारा बैन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी के निर्माताओं की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में फिल्म पर बैन लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेज रोशन सिंह सोडी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने शो के मेकर्स पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। अभिनेत्री की शिकायत के मुताबिक प्रोड्यूसर असद मोदी और क्रू के कुछ सदस्यों ने उनका यौन उत्पीड़न किया। हालांकि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग से कहा है कि कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे करना है। सर्वे में यह पता लगाना होगा कि कथित शिवलिंग कितना पुराना है, या वास्तव में यह शिवलिंग है या कुछ और है। CBSE ने शुक्रवार 12 मई को 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें 5% के मामले में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि पिछले साल के मुकाबले छात्राओं के 5% में गिरावट देखी गई है। वहीं पिछले साल के 100% की तुलना में ट्रांस विद्यार्थियों का 5% 60% रहा है। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।